तो इधर मैं मेरा क्लास का नाम दे देता हूँ टेस्ट वन करके, और इसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो हमारा जो कि क्लास सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो इसके अंदर हम सबसे पहला एक हेलो वर्ल्ड करके प्रोग्राम रन करके देख लेते कि हमारा जावा का प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं। तो इधर सबसे पहला हमारा मेन मेथड, मेन मेथड के लिए शॉर्टकट की है, तो मैं इधर टाइप करता हूँ मेन। तो अब जिस तरह मेन टाइप करोगे तो आपको सजेशन में देखने को मिल जाएगा मेन मेथड। तो इधर मैं एंटर करता हूँ, तो ये मैंने मेन मेथड का जैसे एंटर किया तो आप देख सकते हो पब्लिश स्टैटिक वॉइड मैन और हमारा देखने को मिल जाता है। तो ये बेनिफिट आपको नोट पेड से कंपेयर करें तो ये आईडी के अंदर मिलता है, जिससे हमारा कोड बहुत ही सिंपल तरीके से आप फास्ट लिख पाते हो और ईजी लिख पाते हो। ये चीज़ें नोट पेड में हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन जो कि पूरा टाइप करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो तो ये हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन आ गया। इसके बाद में फिर हम जो कि सिस्टम, उसके बाद में फिर डॉट लगाऊंगा, डॉट लगाने के बाद में आपको सजेशन देखने को मिल जाएगा। तो इधर मैं डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख देता हूँ। ये प्रिंट एलन लिखने के बाद में इधर मैं लिखता हूँ हेलो महेंद्र। तो देख सकते हो मैंने हेलो महेंद्र टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद में अब इसे मुझे रन करना है। रन किस तरह करना, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इधर आपको जो कि राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद में इधर आपको रेड रन टेस्ट मेन करके देखने को मिलेगा, तो इसे आपको इधर क्लिक कर देना है। तो इधर मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो हमारा नीचे जो कि ग्रेडल रन हो रहा है और इधर जो कि बिल्ड कर रहा है, बिल्ड करने के बाद में हमारा नीचे आउटपुट आ जाएगा। और ये चीज़ हम नोट पेड के अंदर करते तो हमें कमांड के अंदर रन करना पड़ता है। तो इधर देख सकते हो हमारा आउटपुट आ गया हेलो महेंद्र। अब जो कि ये रन किया, तो अब ये रन का जो कि शॉर्टकट किया आपको देख सकते हो कंट्रोल शिफ्ट F11 देखने को मिल रहा है। तो ये शॉर्टकट की चेंज करके आप जब भी कंट्रोल आर पर प्रेस करो, कंट्रोल आर जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम रन करते हैं कुछ भी चीज़ करते हैं तो कंट्रोल आर से हमें ईजी पड़ता है, तो वो शॉर्टकट की आप चेंज कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इधर आप देख सकते हो इधर भी आपको रन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस रन के ऑप्शन की मैं जो कि शॉर्टकट की चेंज कर दूंगा, तो जिससे क्या होगा, जिससे हमारा जो कि कभी भी रन करना पड़ेगा वो हमें इजी पड़ेगा। तो इधर फाइल पे आना है, सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद में फिर इधर आपको है ना शॉर्टकट की सर्च करना है। शॉर्टकट की नहीं सर्च करोगे तो आप देख सकते हो जैसे कि आपको की मैप पे क्लिक करना है। की मैप पे क्लिक करोगे, इधर मेन मेन्यू पे क्लिक करोगे, मेन मेन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको रन का ऑप्शन दिखेगा। रन के ऑप्शन को आप एक्सपांड करोगे तो सबसे टॉप पे आपको रन दिखेगा। तो ये वाला रन के अंदर आपको इधर देख सकते हो जैसे कि कंट्रोल आर मैंने सेट किया हुआ है, तो इधर मैं डबल क्लिक करूंगा और ऐड कीबोर्ड शॉर्टकट की, तो इधर आपको देख सकते हो जैसे जो भी आपको कीबोर्ड की शॉर्टकट की ऐड करनी है वो आप ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल आर सेट किया हुआ है, तो इधर मुझे कंट्रोल एफ सेट करना है, तो कंट्रोल प्लस एफ आपको प्रेस करना है। देख सकते हो दोनों की को आपको प्रेस करना है, कंट्रोल एफ, तो जैसे आप देख सकते हो कंट्रोल एफ हमारा इधर आ जाएगा। उसके बाद में आपको ओके पे क्लिक कर देना, तो ओके पे क्लिक करोगे तो इसी तरह आपको कंट्रोल आर सेट करके ओके पे क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल वो कोई कंट्रोल आर नाम की ऑलरेडी की सेट रहे, जैसे इधर आप देख सकते हो इधर ऑलरेडी है ना कंट्रोल एफ नाम की सेट है, तो वहाँ आपको जाना है, आपको इधर से सर्च करना है कंट्रोल एफ नाम की कौन सी की है, कंट्रोल आर नाम की कौन सी की, तो वहाँ आपको चेंज कर देना कोई दूसरी की, और इधर आपको कंट्रोल जो दूसरा रहेगा वो इधर आपको कंट्रोल आर कर देना है। तो कंट्रोल आर कर दोगे तो जिससे आपको इजी पड़ेगा रन करने के लिए। अभी से मुझे टेस्ट करना है कि ये सक्सेसफुली कंट्रोल आर प्रेस करने पे रन हो रही है कि नहीं, तो इधर मैं एंटर मारता हूँ। एंटर मारने के बाद मैं वापस लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो अगेन, और अब मैं इसे रन करता हूँ। जैसे कि कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, देख सकते हो ये हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है, तो हमारी की सक्सेसफुली वर्क कर रही है। तो ये हमारा जो कि सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो गया। तो हम सबसे पहले जावा का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो जैसे कि व्हाट इज़ अ जावा, जावा क्या है, तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके थ्रू आप कोड करके है ना कोई भी अच्छा एप्लीकेशन या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, और सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंपेयर करें दूसरे से तो जावा ज़्यादा सिक्योर देखने को मिलती है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू सी और सी प्लस प्लस। अब ये है ना जावा कब डेवलप हुई थी, तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ जिससे आपका और भी क्लियर हो जाए। हिस्ट्री तो आप नेट पर देख भी सकते हो, पर फिलहाल मैं आपको जल्द से जल्द बता देता हूँ। जावा को जो कि डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम ने 1995 में, जिनका नाम है जेम्स गॉसलिन ने, तो जिनको है ना जावा का फादर भी माना जाता है। अब इसके बाद में फिर हम बात करते हैं कि जावा के थ्रू किस टाइप की एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हो जावा के थ्रू हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन, इंटरफेस एप्लीकेशन, बैंकिंग के रिलेटेड एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, एम्बेडेड सिस्टम, स्मार्ट कार्ड, रोबोट और गेम्स, और काफी सारी चीजें जावा कोडिंग के थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं। और जावा के कितने प्लेटफॉर्म एडिशन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे 4 टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म एडिशन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक तो जावा का स्टैंडर्ड एडिशन, एक जावा का इंटरफेस एडिशन, और एक जावा का माइक्रो एडिशन, और एक जावा का जावा एफएक्स करके देखने को मिल जाता है। तो हम यूज़ करें जावा का स्टैंडर्ड एडिशन, तो जितना भी हमारा काम है ऑलमोस्ट जो कि स्टैंडर्ड एडिशन के थ्रू हो जाता है, इसके अंदर आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जावा का इंटरफेस एडिशन भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो बहुत ही हाई लेवल का रहेगा, तो जो बाद में हम देखेंगे जावा का इंटरफेस एडिशन। और जावा का माइक्रो एडिशन भी यूज़ करते हैं, तो माइक्रो प्लेटफॉर्म के लिए जावा का माइक्रो एडिशन यूज़ करते हैं, और जावा का एफएक्स एडिशन भी यूज़ करते हैं जो कि है ना लाइट वेट यूज़र और इंटरफेस एपीआई के लिए यूज़ किया जाता है।
तो हमारा सबसे पहले जावा स्टैंडर्ड एडिशन, और मोस्ट ऑफ द कॉलेज में भी आपको जावा का स्टैंडर्ड एडिशन ही बताया जाता है, उसी कहा जाता है सभी कॉलेजों में। अब जावा की वर्जन की बात करें तो आपको ये सब वर्जन जावा के जो कि ऑलरेडी रिलीज हुए थे उनका डेट, जो कि 1995 में सबसे पहले अल्फा बीटा वर्जन, उसके बाद में 1.0, तो 1996 में, इस तरह जो कि है ना 2018 में लास्ट वाला जो कि जावा वर्जन 10 रिलीज हुआ था, उसके बाद में फिर 11 आया, उसके बाद में 12, 13, उसके बाद में 14 वर्जन जो कि हम यूज़ करें अभी 2020 चल रहा है। तो जावा का वर्जन भी हर ईयर जो कि अपडेट होते रहते हैं, नए नए फीचर आते रहते हैं, इस तरह ही हमारी टेक्नोलॉजी भी एडवांस होते जा रही है। अब बात करते हैं जैसे कि जावा के फीचर्स की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आपको जावा में देखने को मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि जावा का सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पोर्टेबल है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। कहीं भी कोड करके बाद में कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप रन करो, कोई भी इशू नहीं आएगा, मैक के अंदर रन करो, विंडो के अंदर, लिनक्स के अंदर, तो कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। इजिली आप कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर सकते हो। वो सिक्योर देखने को मिलता है, रिव्यूज देखने को मिलता है, और जो कि आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, और इंटरप्रेटर आपको देखने को मिलता है, और इसके अंदर हाई परफॉर्मेंस आपको जावा के अंदर देखने को मिलता है, और मल्टी थ्रेड आपको देखने को मिलता है, और डिस्ट्रीब्यूट और डायनेमिक आपको ये फीचर्स जावा के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये सारे फीचर क्या है, जब आगे आप प्रोग्राम करोगे तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको डायनेमिक क्यों कहा जाता है, इसका डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मल्टी थ्रेड क्यों कहा जाता है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दूंगा। अब जैसे कि जावा का कोड रन कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जावा का कोड लिखा, वो हमारे कंपाइलर को जाता है, कंपाइलर फिर उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे कि 10 10 10 आपने कंप्यूटर का जो कि लैंग्वेज आप जानते हो, कंप्यूटर जो कि 10 10 ही समझता है, बाकी लैंग्वेज नहीं समझता, तो इसके लिए जो भी कोड रहता है उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो इसके बाद में बाइट कोड जो कि JVM को सेंड करता है, JVM इसके बाद में फिर आपको एग्जीक्यूट करता है, मतलब इसके बीच में इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर जो कि रन टाइम एग्जीक्यूट करता है, और आपको जो भी आउटपुट रहेगा वो आपके मशीन पर शो करेगा। आपकी मशीन हो सके विंडो की रहे, लिनक्स की रहे, मैक की रहे, तो इस तरह हमारा जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। और जो बाइट कोड रहता है, फॉर एग्जांपल आपका जो जावा का फाइल है, उस फाइल को जो कि क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो इधर मैं वापस से मेरे इंटेलिजे पे आ जाता हूँ, जिससे आप देख सकते हो इस प्रोग्राम को हमने रन किया था, और इधर मैं जो कि हमारे फाइल को ओपन करता हूँ, फाइल को ओपन करने के बाद में इधर जो कि मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद में आपको एक आउट नाम की फाइल दिखेगी, इधर प्रोडक्शन में सैम्पल जावा, और इधर आप देख सकते हो टेस्ट 1.क्लास नाम से हमारी फाइल देखने को मिलेगा। अब ये कौन सी फाइल है, ये फाइल वही है जब इसने जो ये जावा के कंपाइलर ने इस कोड को जो कि बाइट कोड में कन्वर्ट किया, तो इस वाली फाइल के अंदर जो कि कन्वर्ट किया। इसके बाद में इंटरप्रेटर ने इस वाले फाइल को स्कैन करके हमारे रन टाइम पे जो कि हमारे विंडो पे ये एग्जीक्यूट करके दे दिया, हेलो महेंद्र, हेलो अगेन करके, तो इस तरह ये कन्वर्ट हुआ। और आपको लग रहा है कि ये फाइल है ना जो कि ऑलरेडी पहले से थी, तो मैं इधर जैसे कि है ना इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। इधर आप देख सकते हो जो आउट नाम का हमारा फोल्डर है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया, अब ये आउट नाम का फोल्डर नहीं है, और इसे मैं रख करता हूँ मिनिमाइज़, और इसके बाद में फिर मैं वापस से इसे रन करता हूँ। तो जैसे मैं इसे वापस से रन करूँगा तो आप देख सकते हो हमारा जो कि सक्सेसफुली रन हुआ। रन होने के बाद में मैं वापस से इधर आता हूँ, तो इधर हमारा जो कि आउट नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया, इसके अंदर प्रोडक्शन के अंदर सैम्पल जावा और टेस्ट 1.क्लास हमारा क्रिएट हो गया, जो आपको वर्ड के अंदर दिख रहा है। जावा के फाइल कंपाइलर जो कि बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जो कि डॉट क्लास के फाइल में कन्वर्ट कर देता है, तो ये आपको फाइल देखने को मिल जाएगा डॉट क्लास। इसके बाद में फिर आपके विंडो हो या फिर लिनक्स हो, मैक हो, इसके अंदर जो भी आईडी है जावा वर्चुअल मशीन उसे रन कर देती है। जावा वर्चुअल मशीन मतलब एक वर्चुअली मशीन है, वो विंडो के हमारे आईडी के अंदर ये एग्जीक्यूट कर देती है। जब आप कोड करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो आप और भी बेहतर तरीके से समझोगे। अब आप बात करते हैं जैसे डिफरेंट बिटवीन JDK, JRE और JVM का मतलब क्या होता है। JDK हमारा जावा डेवलपमेंट किट होता है, JRE हमारा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, और JVM हमारा जावा वर्चुअल मशीन होता है। अब इसका मतलब क्या और ये अलग अलग नाम क्यों है, तो JDK जो हमारा डेवलपमेंट किट है, इसके अंदर JRE और JVM जो कि अवेलेबल है। तो इधर आप देख सकते हो ये है जावा रन टाइम, इसके अंदर आपको JVM देखने को मिलेगा, और JVM के साथ में आपको कुछ फाइल्स और लाइब्रेरी रहेगी, उसके थ्रू हमारा कोड एग्जीक्यूट होएगा। और इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए इधर जैसे कि मैं एक और, तो इधर आप देख सकते हो JDK जावा डेवलपमेंट किट, तो इसके अंदर आपको JRE देखने को मिलता है, और इसके अंदर आपको JVM वर्चुअल मशीन देखने को मिलता है, और जावा डेवलपमेंट किट के अंदर एक डेवलपमेंट टूल्स एग्जांपल JVM और जावा ये आपको देखने को मिलता है। तो जावा डेवलपमेंट किट आप समझ सकते हो, कोई किट होता है, कोई किट के अंदर सारे सामान होते हैं, टूल्स वगैरह होते हैं, तो उसे कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट। तो इसके अंदर आपको JRE के अंदर आपको जावा वर्चुअल मशीन देखने को मिलता है, इसके थ्रू बाद में हमारा कोड एग्जीक्यूट और रन होता है।
अब जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है हमारे कोड के साथ में, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो जावा वर्चुअल मशीन है ना, हमारे कोड को सबसे पहला लोड करेगा, वेरीफाई करेगा कि चेक करेगा आपने कोड प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, जो जावा की गाइडलाइंस है, जो जावा में बताया गया है, जो सिंटेक्स यूज़ किया गया है उसी को आपने देख के उसी तरह आपने जो कि कोड लिखा हुआ, तो वो वेरीफाई करेगा, उसके बाद में एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद में जो इंटरप्रेटर रन टाइम एनवायरमेंट के थ्रू जो कि हमारा रन करेगा, मतलब JRE हमारा रन करेगा और एग्जीक्यूट कराएगा हमारे स्क्रीन पे आउटपुट। प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, जो जावा की गाइडलाइंस है, जो जावा में बताया गया है, जो सिंटेक्स यूज़ किया गया उसी को आपने